ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसने हमें इस सृष्टि चक्र के आवागमन में फंसा दिया है? हम परम धाम में आराम से पड़े हुए थे, यहाँ आकर के सुख लो, दुख लो, जन्म लो, मरो, ये क्यों फंसाया गया? किसने हमें सृष्टि चक्र के आवागमन में फंसाया है? बहुत अच्छा प्रश्न, किसी ने तो फंसाया होगा। पहली बात शॉर्ट में समझनी है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर आए थे क्या करने के लिए? पार्ट बजाने के। हम आत्माएं परम धाम से इस पृथ्वी पर पाठ बजाने के लिए आए, तो हम आत्माओं का घर है परम धाम, ठीक है? यह है हम आत्माओं का घर, जहां सारे संसार की सारी आत्माएं विश्राम करती हैं। सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, फिर 9,33,00,000 देवी देवताएं, फिर सभी धर्म पिताएं, फिर उन धर्म पिताओं की लाइन में बैठी हुई सारी आत्मा। अब पहले हम अपने परम धाम में जब हम होती हैं, तो हमारी परम अवस्था में क्या होता है, वहां हम किस अवस्था में रहते हैं, किस रूप से रहते हैं, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। हम जब परम धाम में होते हैं, वहां हम थॉट भी नहीं, बोलना भी नहीं, खाना भी नहीं, उठना भी नहीं, बैठना भी नहीं, सुनना भी नहीं, परमात्मा के पास होते हुए भी परमात्मा एक सेकंड भी हमें बैठकर ज्ञान नहीं देते। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है कि वो एक डेड साइलेंस होती है, और आत्मा इस संसार में आकर रोल प्ले करती है। जो बात समझने वाली है वो ये कि हम आत्मा जो है वो एक्टर हैं, हम आत्माएं परम धाम से आकर यहाँ ये शरीर रूपी ड्रेस डालकर पार्ट बजाते हैं। तो हम आत्मा कौन है? एक्टर हैं। अब एक्टर को एक्टिंग करने के लिए ना दिया जाए, जरा सोच कर बताओ कि आप एक आत्मा एक्टर हो और आपको एक्टिंग करने के लिए कोई रोल नहीं दिया जाता, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपको कोई रोल नहीं दिया जाता, और परम धाम में आप एकदम डेड साइलेंस में कब तक रहेंगे? रोल चाहिए या नहीं चाहिए? रोल चाहिए। तो रोल चाहिए तो आप इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आएंगे। जब आप इस संसार के अंदर पार्ट बजाने के लिए आएंगे, तो आपकी जो शक्तियां हैं, आपके जो गुण हैं, वो धीरे धीरे कम होंगे। आपको जो ईश्वरीय पावर्स थी साथ, ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, सुख, है ना, तो ये जो है ना, सात जो आपके अंदर गुण थे, वो सातों गुण धीरे धीरे करके क्षय को प्राप्त होते जाते हैं, जिनके कारण उसका स्थान अवगुण लेते जाते हैं। जैसे आपके अंदर ज्ञान का अभाव हुआ, अज्ञानता आ गई, प्रेम का अभाव हुआ, नफरत आ गई, शांति का अभाव हुआ, अशांति आ गई, सुख का अभाव हुआ, दुख आ गया, पवित्रता का अभाव हुआ, अपवित्रता आ गई, शक्ति का अभाव हुआ तो कमजोरियां आ गई। तो ये सातों गुण हमें परमात्म ज्ञान से मिलते हैं, तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। हम आए थे गुणों से संपन्न थे, धीरे धीरे हमारे जीवन से गुणों का अभाव हुआ, अवगुणों की वृद्धि हुई, तो हमने परमपिता परमात्मा को पुकारा,
परमात्मा आकर हमें उन अवगुणों से विजय प्राप्त करने की विधि सिखाते हैं, जिससे हम इन बुराइयों पर अवगुणों पर विजय प्राप्त करके सतयुग के मालिक बनते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम देखेंगे कि सृष्टि चक्र में कि किस प्रकार से हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं, वहां परम धाम से हम आत्माएं जो नंबर वार आना शुरू करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब कलयुग का अंत आता है तो सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं। जब सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं तो सब को जाने से पहले परमात्मा से जरूर पढ़ना होता है। जब आत्माएं परम धाम से आती हैं, परम पिता परमात्मा के पास पढ़ने के लिए आती हैं, क्योंकि आप पतित हो गई हैं, पावन थी और धीरे धीरे क्या हो गई, पतित हो गई, काली हो गई। जब पतित हो जाती हैं तो सारे परमात्मा को पुकारते हैं, सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को पुकार रही है। अब परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं। कौन कितना उस सत्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है, उसके आधार पर उसकी मेरिट बनती है। जो 100% प्योर आत्माएं होती हैं वो सतयुग के आदि में आती हैं। तो जैसे जैसे वो आकर के संसार को यूज करती हैं तो और कम नंबर वाली आत्माएं आती हैं, क्योंकि यूज करने पर धरती 100% से 99 पर आती है। तो 99 वाली आत्माएं नीचे, 98 वाली आत्मा नीचे, इस प्रकार से 95 वाली, इस प्रकार से ये सतयुग के अंत तक 75 प्लस वाली आत्माएं परम धाम से नीचे आ जाती हैं। आने में सब आत्माएं नंबर वार आती हैं, जैसे जैसे धरती कमजोर होती जाती है उतने नंबर वाली आत्माएं परम धाम से नीचे आती जाती है। परंतु एक बात याद रखें, जो आत्मा एक बार परम धाम से नीचे आ गई वापिस नहीं जा सकती। धीरे धीरे 100 नंबर वाली आत्मा भी 75 पर आ गई है, 75 वाली आत्मा भी 75 पर आ गई है ना। उसके बाद जब त्रेता शुरू होगा, 72 वाली, 70 वाली, 65 वाली, 60 वाली, 50 से जिनके ज्यादा नंबर होंगे वो ये त्रेता के अंत तक आ जाए। अब वो आत्माएं आना शुरू होंगी जो 49 वाली है, 48 वाली है, 40 वाली, 35 वाली, 30 वाली, 25 से जिनकी नंबर ज्यादा होंगे वो द्वापर के अंत तक आ जाए। और जब कलयुग शुरू होगा तो 24 वाली, 20 वाली, 15 वाली, 10 वाली, 5 वाली, 4 वाली, 3 वाली, 2 वाली, जब सारी आत्माएं परम धाम से आ जाती हैं तो परमपिता परमात्मा आते हैं और सारी आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। फिर से चक्र चलता है। इस खेल में किसने आपको यहां पर लाया, इस बात को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो खेल बना है, ये जो सारा संसार का खेल बना है, इसको बनाने में तीन का पार्ट है, तीन जनों का, एक आत्मा का, एक प्रकृति का और एक समय का। जो दुनिया में गीता लिखी गई है उसमें लिखा है कि सृष्टि पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष माना आत्मा, प्रकृति माना पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर। आत्मा और शरीर का ये खेल है। परंतु परमात्मा ने आकर के अब समझाया कि बच्चे समय की बेल्ट पर, कोई भी नाटक बिना समय के आधार पर, बिना समय की बेल्ट पर बन नहीं सकता, क्योंकि हर एक्ट के लिए टाइम निश्चित होता है। तो समय की बेल्ट पर तीन चीजें हैं, समय, आत्माएं और प्रकृति। इन तीनों ने मिल करके ये नाटक बनाया है, ये संसार का वर्ल्ड ड्रामा बनाया है। और हर आत्मा अपनी एक्ट खुद डिसाइड की है, किसी और ने डिसाइड नहीं की। हर आत्मा ने कर्म किया और कर्म के अनुसार उसको फल प्राप्त हुआ। और ये ड्रामा हर 5000 साल बाद हूबहू उसी प्रकार रिपीट होता है, इसमें कभी भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। और ये ड्रामा अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जिसके लिए आपको
कुछ वीडियोस जरूर देखने पड़ेंगे, क्योंकि उन सबको यदि मैं यहाँ करूंगा तो ये कई घंटों का बन जाएगा। जैसे सृष्टि अनादि और अनंत है, कैसे सृष्टि को किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, मुर्गी पहले कि अंडा पहले, सत्य क्या है, तो इन सब चीजों के सत्य की परिभाषा क्या है, तो इन सब वीडियोस को देखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक फोल्डर दिया है, जिसमें वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उन सभी वीडियोस को देखेंगे और इसमें आपके पास इसी वीडियो के साथ लगभग 2000 वीडियो का जो सेट है वो भेज रहा हूँ, जिसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आसानी रहे, आप आसानी से उन्हें ढूंढ सके। और जो प्रश्न जो 7 फोल्डर्स में नहीं मिले तो वो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेगा। आप लिंक खोलेंगे, सारे वीडियो की लिस्ट आपके सामने होगी, तुरंत आप देखते जाइए, जो भी आपको प्रश्न अच्छा लगे आप वो वीडियो देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे वीडियो हैं, आसान से कम समय में आप उनको देख सकते और अपनी इस सच्चाई को समझ सकते हैं। इस वर्ल्ड ड्रामा में परमात्मा ने आपको नहीं फंसाया, किसी आत्मा ने आपको नहीं फंसाया, आप स्वयं भी इसके अंदर फंसने के निमित्त हैं, क्योंकि आपका जो रोल है, आपका जो पार्ट है, वो 5000 साल की रिकॉर्डेड सीडी है। आप आत्मा उसी के अनुसार अपना एक ग्रेट पार्ट प्ले करते हैं। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, और अच्छी तरह से कोई प्रश्न रह जाए जिसका आंसर आपको ना मिल पा रहा हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करेंगे, या अपने नजदीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे। ओम शांति।